తో విసిమి చీజ్ కర్రో తో నే కివిన్ చో తో హటాని కి కోషిష్ కర్ రహే లేకిన్ వో దోనో హటాని నీ దే జాతే హై तो फिर ना और यूं यार जो जिमिन होता है वो इस तरह ना उनकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं ब्लीडिंग ब्लीडिंग आए से कि ना वो हटा ले लेकिन वो हटा नहीं रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो भी कुछ नहीं कहता और उसके बाद ना अपना वापस काम करने लगता है। तो उसके बाद फिर ना जैसे ही सारी क्लास जाने वाली होती है मतलब टीचर चली जाती है तो जिमिन भी जाने वाला होता है। तो फिर उस टाइम पर ना जैसे उठते हैं तो उसको ना पुश फील होता है किसी ने ना उसको अपने उसकी बैग से पुश किया होता है। तो फिर वो पीछे देखते तो वहाँ पे वो तीनों चार होते हैं यूनमिन यूनमिन और टेको होते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा यूनमिन नहीं स्तूप और टेको होते हैं। तो फिर ना ये देखिए ना जिमिन फौरन बहुत ही ज़्यादा डरने वाला एक्सप्रेशन अपने फेस पे ले आता है मतलब डर रहा होता है वो तो वो ऐसे बना लेते हैं और फिर ना उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना वेल 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 अब इस क्लास में कोई नहीं आने वाला क्योंकि अब है कैफेटेरिया मतलब लंच का टाइम और अभी केक और कैफेटेरिया का टाइम तुम्हें अच्छे से पता है बीबी वो नीचे हो बोल रहा होता है कहते हैं 1 आवर का टाइम है और इस क्लास कोई नहीं आने वाला शुगर बोलता है और ना कहते हैं और जो तीनों बातें कहते हैं और मैंने इस क्लासरूम को लॉक करके आया हूँ। तो फिर ना जे के कहते हैं कि ना वेल 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 अब तुम हमारे पास हो तो इस तरह बोलते हैं और फिर ना इस तरह ना डर जाता है और तो फिर वो जाने लगते हैं। तो फिर जो नाम जो ना तो खड़ा होता है और ना जिमिन को ना पुश करते हैं डेस्क के ऊपर और उसके ऊपर आ जाता है जिन आ जाता है उसके ऊपर। तो फिर ना वो डर रहा होता है वो पीछे हो रहा होता है लेकिन ना उसे वो नहीं क्या होता कि वो डेस्क था उसे नीचे गिर सकता था। तो फिर ना तो जो जो होता कहते कि ना बेबी बॉय मैं तुम्हारी स्ट्रगल कम कर देता हूँ ये कह के ना जो जिमिन होता है उसको ना फ्लोर पर लटा देते हैं। तो फिर ना जैसे ना उसको थोड़ी स्पेस मिलती है तो फिर उस तरह करते हैं और नीचे नहीं गिरा तो ऐसे देख रहे तो कहते क्या चाहते हैं तुम लोग मिल सकते हैं तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो देख तेरह बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कहते मुझे छोड़ दो मैं अभी 18 का भी नहीं हूँ कहते हाँ हाँ हम इतने भी हार्डलेस नहीं हैं वेल 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 अभी हमें पता है कि अच्छे से कि तुम्हारी बर्थडे कब आने वाली है जे के बोलता है लेकिन ना फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है अभी तो बस हम हल्का सा मेकआउट करेंगे ज़्यादा नहीं ठीक है कि ना और जिमिन की ना फौरन ही शर्ट फाड़ देता है। तो फिर ये देखे ना जिमिन शॉक हो जाते हैं और फिर ना उसके निपल्स पे ना एक साइड बैठते हैं और एक साइड पर ना जंगो किस करने लगते पाइट कर रहे होते हैं उसके निपल्स पे और ना जो झुमकी होता है वो उसकी ना नेक पे आ जाता है और जो भी उसकी नेक पे और जो जीरो होता है वो उसकी लिप्स पे किस करने लग जाते हैं और जो ना आ रहा होता है वो उसकी फुल बॉडी पे हाथ फिर आ रहा होता है उसके एप्स पे मतलब योगी जिमिन की बॉडी पे इस तरह कर रहा होता है। तो फिर ना जिमिन ना अपनी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं जिमिन के और फिर ना उसको ना किसी के बारे से आवाज़ आती है। तो फिर ना जिमिन जो होता है वो फौरन उठता है उनको धक्का देता है किसी तरह क्योंकि वो सारे उसके ऊपर होते हैं तो वो किसी तरह धक्का देता है और खड़ा होता है तो उसकी शर्ट ज़्यादा नहीं फटी होती लेकिन आगे से काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है लेकिन ना फिर भी वो किसी तरह खुद को सेट करता है और फिर ना फौरन ना वहाँ से भाग जाता है। तभी ये देखे ना जो बाकी सब होते हैं वो सारे छः के छः सारे स्माइल कराते हैं और फिर ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना एक्स ब्रेक करते हैं फिर ना वहाँ से चले जाते हैं और जो जिमिन होता है वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और एक एनोइड फेस बनाता है और फिर ना फौरन आ जाता है वॉशरूम में आता है अपने लॉकर रूम में आने के लिए अपने लॉकर रूम में आता है कि ये उसके लॉकर रूम में उसको बताता है इस तरह की कोई ज़रूर हरकत होने वाली क्योंकि ये उनकी रोज़ाना की रूटीन है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा शर्ट एक और पहले से लेके आया होता है जिमिन तो वो शर्ट लेता है और फिर ना वॉशरूम के लिए जाता है और फिर वहाँ शर्ट चेंज करके आ जाते हैं और कैफेटेरिया का टाइम अब ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर अब उसकी नेक्स्ट क्लास होती है और उसमें वो छः में से कोई भी नहीं होता तो फिर वो ना ऐसे अजीब सा लुक बनाता है और फिर ना वियर्ड सा क्योंकि उसको ना वो छः के छः सामने उसकी क्लासरूम के सामने खड़े हुए दिखते हैं जिसके जैसे उस तरह का फेस बनाते हैं लेकिन जैसे उनके करीब जाने वाला होता है और उनकी नज़र जमीन पर पड़ती है तो वो फौरन एक इनोसेंट और ना इस तरह का फेस बना लेता तो ना करके ना वहाँ से जाने वाला होता। तो फिर ना वहाँ से जाते वक्त वहाँ उस टाइम हॉलवे में कोई भी नहीं होता और वो क्लास में से भी बाहर की तरफ कुछ अभी नज़र नहीं आता क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही क्लास वो पीछे थे और फिर ना
और टीचर भी आएंगे थे, तो जैसे वो एंटर होने वाले थे तो फिर ना जो यंग ये था वो ना उसके नीचे बर्ड्स पे ना ऐसे एक स्लैप करते हैं, और फिर ना जो जिमिन होता है ना ऐसे शॉक एक्सप्रेशन से ना पीछे देखता है, और फिर ना जो चीफ कहते हैं कि ना इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है बेबी बॉय, तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, इस तरह बोलते हैं। तो फिर क्योंकि उनकी रोज़ाना की रूटीन है वो हमेशा एक रोज़ाना ही इस तरह करते हैं, बस उनकी रोज़ाना मतलब प्लेसेस चेंज होती हैं कि जो आज करेगा वो अगले दिन वो चीज़ करता है, मतलब प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो फिर ना जो जो जिम होता है वो फ़ौरन अंदर भाग जाता है, और सब ऐसे ना ट्रेवल स्माइल कर रहे हैं हरकतें, बस 3 दिन बेबी हुआ है इस तरह बोलते हैं। और फिर अगले 3 दिन भी वो उनके ऐसे ही जाते हैं, और जो जीवन होता है उसकी आज बर्थडे होती है, और आज वो कॉलेज नहीं जाना चाहता होता, वो बहुत ही अनहो जाता है इस तरह फील कर रहा होता है, और उन छेकों को भी नहीं पता होता कि जीवन कहाँ रहते हैं, इस वजह से वो भी उसके पास नहीं आ पाते। तो फिर ना जो जीवन एक गहरी सांस लेता और ऐसे करके सांस लेता, और फिर ना मिरर में देखता है, तो फिर कहते हैं ये जी मेरी जान कब छोड़ेंगे, उस तरह फिर कहते हैं कि ना मुझे बहुत गुस्सा है। तो उस टाइम पे जो वहाँ का मैंने वहाँ एक पर्सन आता है, और वो कोई नहीं वहाँ और विलेज का मैनेजर होता है, कहते हैं ना जीवनी, तो कहते हैं अंकल क्या हुआ, कहते कि ना मैं तो ये चाहता तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, बट तुम कहते कि ना तुम मेरे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते, मैं एक्चुअली ये कह रहे थे तुम यहाँ रह सकते हो, तो फिर कहते कि ना अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आप उदास होंगे तो फिर मैं आपके पास आता रहूँगा, लेकिन मैं आपको कह दिया ना मैं अभी बर्डन नहीं बनना चाहता, और वैसे भी मुझे कुछ और काम भी है, तो अच्छा होगा कि मैं बाहर जाके वो करूँ ताकि मुझे ना वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो। कहते हैं गुड लक बेटा, तो इस तरह बोलते कहते हैं ना मैं आपसे ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, मैं 2 दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर कहते हैं ना बट तो फिर ना वो जी मैंने एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर मैनेजर जो होता कहते हैं ओके ठीक है, मैनेजर नहीं ओनर, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं ना इधर लिख के रखूँ, मैंने हज़ार बार कहा है चुप 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 कैसे देते हैं, जहाँ पे ये छे होते हैं जिमिन का इंतजार कर रहे थे, और ना वो अभी कॉलेज के लिए लेट हो गया होता है, जिमिन ये होते हैं वो मतलब हमारे ओडिशा 6 वो बाहर ही खड़े होते हैं, तो इंतज़ार कर रहे थे जिमिन का, और उनको उन सारों को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि कल जिमिन की बर्थडे थी और वो नहीं आया था जिमिन, तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि ना जिस दिन उसके जिमिन होगा बर्थडे, जिस दिन उसकी होगी वो मतलब उसके साथ लव मेकिंग करेंगे, सेक्स वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सोचा हुआ था उन्होंने, प्लान किया हुआ था, लेकिन कल जिमिन आया नहीं था जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में थे, तो जिमिन ना कुछ लेट हो जाता है ओके, वो अपनी पैकिंग कर रहा होता जिसकी वजह से वो रात को देर से सोया था और नेक्स्ट डे देर से उठा था, तो वो अपने टाइम देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 1 आवर लेट हो चुका था, तो वो फ्रंट रेडी होता है और उसको इस वे करते करते भी उसको 2 आवर्स का टाइम लग जाता है पहुँचते, तो वो देखते कि ना अब टाइम है 10 AM का, तो देखते कि ना जो हमारे OT6 है वो बाहर ही खड़े, जिसको देखे ना जो जिम ने ना वो फ्रेंड ही ना ऐसे टूटने वाला एक्सप्रेशन बना ले, तो अपना जो वो तीनों जब वो छः के से जब देखते हैं कि ये तीनों और ये आ गए, तो फिर ना वो गुस्से में होते बहुत, तो फिर जो जिन होता वो ना फ़ौरन ही जिमिन को खींच के एक ना खाली क्लासरूम में ले आते हैं, सब इस टाइम पे सारी क्लासरूम खाली हो चुकी होती है क्योंकि ये टाइम होता है उसका लंच का टाइम होता है, मतलब आज लंच जल्दी हो जाती है क्योंकि आज हाफ डे था, और उसके बाद फिर किसी और आज ज़्यादा क्लासेस थी नहीं क्योंकि जो मोस्टली आज टीचर्स नहीं आए थे, और जिस क्लासरूम में आए थे वो इनकी क्लास थी और यहाँ कोई टीचर नहीं आने वाली थी, और हाफ आवर बाद छुट्टी भी होने वाली थी, मतलब आज वो हाफ डे था काफ़ी ज़्यादा ही, तो जैसे हमारे भी होता है हमारे हाफ डे होते हैं तो हमें तो 10 AM पर ही छुट्टी हो जाती है, तो इसी राउंड के भी इस तरह थे, तो आते हैं और उसको ना खाली खाली क्लासरूम में लेके आते हैं, और उसको ना फ़ौरन अंदर पुश करके ना अच्छे वही हमारे OT6 वो ना उसको बंद कर देते हैं, डोर को लॉक कर देते हैं, और जिम की तरफ ना ऐसे गुस्से से देख रहे होते हैं, और ना उसके बाद जो नाम जो ना होता है
Bună.